जीतेगा भाई जीतेगा, हिंदुस्तान जीतेगा। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। आप देख रहे हैं देश का नंबर वन न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया। दुबई में कुछ ही देर बाद सुपर फोर का सुपर हिट मुकाबला शुरू होने जा रहा है। इतने बड़े महामुकाबले से पहले दो बड़ी चीजें दोनों टीम्स में हुई। पहला, भारतीय टीम को एक बड़ा झटका लगा। जाडेजा इंजरी की वजह से एशिया कप से बाहर हो गए, इस टूर्नामेंट का हिस्सा नहीं है। ऐसे में भारतीय टीम में एक बदलाव तो जरूर होगा, लेकिन वो कौन खिलाड़ी होगा, जो इस पर पूरी नजर हम रखेंगे। इस पर बातचीत अपने खास पैनल के साथ करेंगे। और इधर पाकिस्तान ने भी हांगकांग पर बड़ी जीत हासिल की है, और इस जीत के बाद पाकिस्तानी टीम का कॉन्फिडेंस भी हाई हो चुका है। भारत के हाथों पहले मैच में हारने के बाद पाकिस्तानी जख्मी शेर की तरह है, लेकिन सवाल यही बरकरार है कि क्या ये जख्मी शेर मैदान पर भारत के हाथों एक बार फिर ढेर होगा। इस पर बातचीत जरूर करेंगे, लेकिन उससे पहले हम अपनी सहयोगी अनुपमा झा के पास चलते हैं। बिल्कुल, अब से कुछ ही देर में शुरू होने जा रहा है क्रिकेट की दो महाशक्तियों के बीच वो मुकाबला जिस पर पूरे विश्व की नजर है, लेकिन मेरे साथ जनता मौजूद है। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आखिर भारत का मूड क्या कह रहा है। हाउ इज द जोश? हाउ इज द जोश? भारत माता की। देखिए, ये जोश है, ये जुनून है, क्योंकि लगातार जो है हमारे साथ जनता बनी हुई है। तो गौरव चौहान और सुधीर बोला भी हमारे साथ लगातार मौजूद है, बहुत बहुत स्वागत है आपका। लेकिन उनके साथ हमारे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अमृत आनंद भी मौजूद है। तालियों के साथ एक बार तीनों का स्वागत कर दीजिए। और इसके साथ ही हमारे साथ क्रिकेट एक्सपर्ट का एक बड़ा पैनल मौजूद है। यहाँ स्टूडियो में हमारे साथ टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर संदीप पाटिल, किरण मोरे और नयन मोंगिया मौजूद है। तो वहीं पाकिस्तान से भी पूर्व क्रिकेटर जुड़ेंगे, लेकिन उसके लिए सीधे लिए चलते हैं मेरे सहयोगी सबीना के पास। सबसे पहले तो तीन खास मेहमानों का आप जोरदार तालियों से स्वागत करें, क्योंकि क्रिकेट के इतिहास में इन्होंने भी अपना इतिहास रचा है। इसलिए इतनी बारीकी से आज एक एक बात जो है वो मैदान से क्या जुड़ी है हमारे तीनों खास मेहमान यहाँ पर बता रहे हैं। हम न्यूज से भी हमारे साथ खास पैनल होगा, लेकिन उससे पहले संदीप जी आपसे शुरुआत करेंगे एक बार फिर से। क्या आपको लगता है ये पूरी जो स्ट्रेटेजी हमने पिछले मैच में देखी, क्या उसी के साथ उतरना होगा, या फिर जाडेजा जिस तरह से चोटिल हुए उसके बाद अब टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं, एक बार फिर से एक नई स्ट्रेटेजी यहां पर टीम इंडिया की दिखाई देगी? सबसे अहम है कि क्या कॉम्बिनेशन लेके इंडिया उतरती है। हमें पता है कि जाडेजा नहीं है, उसकी जगह शायद अक्षर पटेल ले रहे थे, लेकिन इससे पहले हम तीनों यही बातचीत कर रहे थे कि क्या कॉम्बिनेशन, क्या वो 11 खिलाड़ी होने चाहिए। और आखिर में मैंने इन दोनों की बात मान ली, तो जो 11 खिलाड़ी है उनके बारे में तो मैं बाद में कहूँगा, लेकिन जो गलतियाँ हुई है पहले मैच में, शायद हमने जीता पाकिस्तान के खिलाफ, लेकिन थोड़ा लक फैक्टर भी हमारे साथ रहा। जो गलतियाँ हुई उसे सुधारना होगा, और ख़ास करके नींव रखनी होगी हमारी जो सलामी जोड़ी है, केएल राहुल की बात करें या रोहित शर्मा की बात करें, उनको नींव रखनी होगी। और उसके ऊपर अगर आपको इमारत ऊंची बनानी हो तो नींव बहुत जरूरी है, नींव मजबूत यहाँ पर होनी चाहिए। बहुत खास बात सर आपने यहाँ पर कही है, और ये नींव पूरी टीम के एक एक खिलाड़ी से यहाँ पर बनती है। किरण जी, आपको ये लगता है क्योंकि अब अक्षर पटेल का नाम आगे चल रहा है एक संभावित खिलाड़ी के तौर पर, अब मेन स्क्वाड में अगर वो आ जाते हैं तो उनसे भी बहुत उम्मीदें हैं। आर अश्विन, आप उन्हें किस तरह से देखते हैं, क्योंकि सर ने केएल राहुल का भी जिक्र किया, उनके बारे में बात करेंगे, लेकिन संभावित इन दोनों खिलाड़ियों में से आप सबसे ज्यादा तवज्जो किसे देना चाहेंगे? बिल्कुल अक्षर पटेल, क्योंकि एक हार्दिक पांड्या और अक्षर जडेजा जी दो ऐसे खिलाड़ी है, जब ये टीम से कोई इनको चोट आ जाती, टीम से बाहर जाते हैं, पूरा टीम का गणित बदल जाता है। तो इसके लिए जडेजा बाहर गए तो आपको अक्षर को लेके आना पड़ेगा। अविश खान शायद बीमार है तो वो खेलेंगे नहीं, तो मैं इस मैच में तीन स्पिनर के साथ जाऊंगा। जा रहे दो दिन तीन स्पिनर और तीन फास्ट बॉलर हमारे पास है, तो छह बॉलर हमारे हो जाएंगे। और देखो अश्विन भी अच्छी बल्लेबाजी करते हैं T20 में, अक्षर पटेल लेफ्ट हैंडर है, और मैं इस मैच में ऋषभ पंत के साथ जाऊंगा, क्योंकि एक लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज हमको जो जडेजा की जगह पे वो कहाँ भी जा सकते हैं बल्लेबाजी करने, वो नंबर तीन भी जा सकते हैं। जब आप अच्छी बारी खेल गई, जो ओपनिंग बल्लेबाज ने अच्छा स्टार्ट दिया, तो ऊपर भी जा सकते हैं ऋषभ पंत, छः नंबर भी आ सकते हैं, वहाँ पे भी बड़े छक्के चौके छक्के मारने में माहिर है। तो मुझे लगता है ये कॉम्बिनेशन जा सकती है इंडियन टीम आज। बतौर कप्तान रोहित शर्मा की कोशिश अगर हम उनकी स्ट्रेटेजी के तौर पर देखें नयन जी, तो ये रहती है कि ऑलराउंडर हूँ,
ताकि कोई भी सिचुएशन जब हो विरोधी टीम की तरफ से हावी होने की तो मुकाबला ऑलराउंडर के तौर पर खिलाड़ी कर सके। आपको लगता है रविंद्र जाडेजा एक ऑलराउंडर खिलाड़ी, तूफानी बल्लेबाज, जब बल्ला चलता है तो कहते हैं बल्ला चलता ही जाता है, हर परफॉर्मेंस जो है उनकी अगर बेहतरीन आनी शुरू होती है तो फिर उन्हें रोक पाना मुश्किल होता है। अक्षर पटेल को आप एक बेहतर कैंडिडेट के तौर पर देखते हैं स्टैंड बाय खिलाड़ी से मेन स्क्वाड में आने के हिसाब से, या फिर आर अश्विन, क्या आपकी राय? देखिए कोई तुलना नहीं है, पर जिस तरह आप उनका प्रदर्शन देखोगे आखिरी 6 महीने में बहुत बेहतरीन रहा है, जभी उनको मौका मिला है उन्होंने प्रदर्शन अच्छा किया है, उसमें कोई दो राय नहीं है। पर बल्लेबाजी में कहीं ना कहीं उनकी कमजोरी नजर आई है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में, बॉलिंग बेहतरीन किया है, पर जब आप एज ए अगर मैं सिलेक्टर हूँ, मैं कैप्टन हूँ, मैं कोच हूँ, तो मेरी तवज्जो आर अश्विन की तरफ होगी, क्योंकि उनके पास ऑपोजिशन के पास 3 लेफ्ट हैंडेड है, एक्सपीरियंस है, आप एक्सपीरियंस की वजह से आप लेके गए हो कि अगर आप जडेजा चोटिल होता है, आपके पास लेफ्ट हैंडेड है ऑपोजिशन टीम में, तो आप ऑफ स्पिनर को खिला सकते हो, क्योंकि आपके पास वो बैलेंस नहीं है, जो जडेजा बैलेंस दे सकता था वो बैलेंस अब नहीं रहा, एक लेफ्ट हैंडेड बीच में नहीं आ सकता। इसके लिए किरण भाई के बात से मैं सहमत हूँ कि मैं पंत से जाऊँगा कार्तिक की जगह, तो एक लेफ्ट हैंडेड एज ए फ्लोटर आई कैन यूज़, उसको मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ, और अश्विन को मैं एज एन जेन्युइन ऑफ स्पिनर विकेट टेकर बॉलर मैं उसको इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो अगले 2.5 घंटे में हम बातचीत यहाँ पर करेंगे विराट कोहली के बारे में भी, जिनसे उम्मीद की जा रही है, कि विराट पारी की भी, रोहित शर्मा के बारे में भी बातचीत यहाँ पर करेंगे, साथ ही साथ अर्शदीप का भी जिक्र करेंगे, क्योंकि बैटिंग के साथ जो बॉलिंग है उस पर भी नजर यहाँ पर टिकी हुई है, और कुछ और फैक्ट्स भी हमारे साथ मौजूद हैं जो मेरी सहयोगी अनुपमा यहाँ पर आपको दिखाएंगी, इस फैक्ट्स के जरिए बताएंगी कि क्या कुछ यहाँ पर आगे की तस्वीर दिखाई देती है। बिल्कुल, तो देखिए एशिया की क्रिकेट वाली इस गद्दी पर कौन बैठेगा, इस थ्रोन का असली दावेदार कौन होगा, और आंकड़े हाउस ऑफ रोहित शर्मा के साथ हैं या हाउस ऑफ बाबर के साथ हैं, यह आपको समझाने के लिए हमने गेम ऑफ थ्रोन्स के तर्ज पर कुछ ग्राफिक्स तैयार किए हैं। तो देखते हैं गेम ऑफ थ्रोन्स का ड्रैगन क्या डाटा लेकर आया है। तो देखिए पिछले मुकाबले की अगर बात करें तो विराट कोहली का बल्ला बोला और उन्होंने 35 रन की जुझारू पारी खेली, और इस पारी के दौरान विराट कोहली का स्ट्राइक रेट 103 का था, जबकि पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान की तरफ से विकेटकीपर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान ने 43 रन बनाए। तो गेम ऑफ थ्रोन्स का ये शिप आप देख पा रहे हैं, ड्रैगन आया डेटा लाया, और उसकी ये तस्वीर एक बार फिर से शुरुआत से आपको समझाते हैं। देखिए पिछले मुकाबले की बात करें जिस तरीके से ये ड्रैगन लेकर आया, हम पिछले मुकाबले की बात कर रहे हैं, विराट कोहली का बल्ला बोला, उन्होंने 35 रन की जुझारू पारी खेली, और इस पारी के दौरान विराट कोहली का स्ट्राइक रेट 103 का था। अब पाकिस्तान की बात कर लेते हैं, हिंदुस्तान की बात तो कर ली, पाकिस्तान की तरफ से विकेटकीपर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान ने 43 रन बनाए थे, इस पारी के दौरान रिजवान का स्ट्राइक रेट 102 था। ऐसे में टीम इंडिया के गेंदबाजों को सावधान रहने की जरूरत है। हालांकि टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा की बात करें तो पिछले मैच की भरपाई करने उतरेंगे, हालांकि पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के खिलाफ खेले गए पिछले मैच में रोहित शर्मा सिर्फ 12 रन ही बना पाए थे, और इस दौरान रोहित शर्मा का स्ट्राइक रेट 67 का रहा था। पाकिस्तान की तरफ से बात करें तो पाकिस्तान की तरफ से इफ्तिखार अहमद ने 28 रनों की पारी खेली थी। इफ्तिखार को भारतीय गेंदबाज की तरफ से देखिए स्ट्राइक रेट की अगर हम बात करें तो 127 का उनका स्ट्राइक रेट रहा था, लेकिन ये ड्रैगन आया डेटा लाया हाउस ऑफ बाबर का आपको बता रहा, 28 रन की पारी खेली थी, स्ट्राइक रेट शानदार तरीके से 127 रहा था। और अब हार्दिक पांड्या की अगर हम बात करें, पिछले मैच में उन्होंने 33 रनों की पारी खेली थी, लेकिन स्ट्राइक रेट 194 का रहा था, जो जाहिर सी बात है कि हार्दिक पांड्या की अगर हम बात करें तो किस तरीके से शानदार तरीके से उन्होंने खेला था वो हर किसी ने देखा था। तो गेम ऑफ थ्रोन्स के जरिए हम आपको उसी के तर्ज पर दिखा रहे हैं। दूसरी तरफ आपने हार्दिक पांड्या देखा, तो एक तरफ देखिए हारिफ रऊफ की बात करें तो 13 रन उन्होंने बनाए थे और स्ट्राइक रेट 185 का रहा था। तो ये अलग अलग तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। अब देखिए पाकिस्तान के खिलाफ जब भी मैच होता है तो टीम इंडिया के गेंदबाजों का जोश हाई रहता है, ऐसे में एक बार फिर से टीम इंडिया के गेंदबाज बरसने के लिए तैयार है। तो गेम ऑफ थ्रोन की तर्ज पर ही हम आपको ये दिखा रहे हैं कि बैटिंग और बॉलिंग में कौन कितना शानदार है, कौन कितना मंझा हुआ है। देखिए दुबई के मैदान में खेले गए पिछले मैच में भी भुवनेश्वर कुमार ने कमाल कर दिया था, दुबई की धीमी विकेट पर भुवनेश्वर ने बेहतरीन गेंदबाजी की थी। भुवी ने उसी मैच में पाकिस्तान के 4 बल्लेबाजों को आउट किया था, जो हम आपको ग्राफिक जरिए समझा भी रहे। हालांकि इस दौरान भुवनेश्वर ने सिर्फ 6.50 की इकोनॉमी से ये रन बनाए थे। आगे बढ़ते हुए आपने भारत का देख लिया, भुवनेश्वर कुमार को समझ लिया, अब पाकिस्तान की बात करते हैं।
पाकिस्तान के तेज गेंदबाज नसीम शाह, जिन्हें चोट भी लगी थी, नसीम शाह ने भारत की टीम को शुरुआती झटका दिया था। नसीम शाह ने भारत के खिलाफ दो अहम विकेट चटकाए थे। नसीम ने करीब 7 की इकोनॉमी से रन दिए थे। हालांकि एक तरफ जहां पाकिस्तान के पास नसीम शाह हैं, तो दूसरी तरफ हमारे पास हार्दिक पांड्या जैसा खतरनाक ऑलराउंडर है। हार्दिक पांड्या ने पाकिस्तान के खिलाफ खेले गए उस मैच में 3 विकेट अपने नाम किए थे, वो भी 6.25 की इकोनॉमी से। जबकि पाकिस्तान की अगर हम बात कर ले तो पाकिस्तान की तरफ से मोहम्मद नवाज ने भारत के 3 विकेट लिए थे। हालांकि इस दौरान भारत के बल्लेबाजों ने नवाज के खिलाफ जमकर रन भी बटोरे थे। या गेंदबाजी से लेकर बल्लेबाजी तक आपको बता रहे किसका बेहतरीन प्रदर्शन रहा था, लेकिन रोहित शर्मा की सेना में शामिल अर्शदीप सिंह वो योद्धा हैं जो अपने गेंदों से विरोधी टीम को लगातार चौंका देते हैं। अर्शदीप सिंह पिछले मैच में पाकिस्तान के बल्लेबाजों पर कहर बनकर टूटे थे। अर्शदीप सिंह ने पाकिस्तान के 2 बल्लेबाजों को आउट किया था, वो भी करीब 8.60 के इकोनॉमी से। जबकि पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के स्पिनर शादाब खान बेहद किफायती रहे थे, हालांकि उन्हें एक भी विकेट नहीं मिला था। तो मेरे सहयोगी अनुपमा झा ने आपको वो डिटेल यहां पर बताई है कि किस तरह से एक टीम दूसरी टीम जो है एक दूसरे पर भारी पड़ती हुई नजर आती है। हालांकि जब मैच शुरू होगा तब रिजल्ट के तौर पर सामने आ जाएगा कि आज का महामुकाबला आखिर किसने जीतना है यहां पर। हिंदुस्तान लेकिन यही दुआ कर रहा है कि लगातार यहां पर जीत जो है दूसरी बार भी हासिल भारतीय टीम को हो। संदीप जी, फैक्ट्स यहां पर जो अभी अनुपमा ने पूरी डिटेल के साथ बताई उसे लेकर क्या कुछ आप कहना चाहेंगे, क्योंकि ये वो फैक्ट्स है जिनका कंपैरिजन जब किया जाता है तो मालूम चलता है कि एक बतौर खिलाड़ी मैदान में उसका परफॉर्मेंस कैसा रहा। जो डाटा हमने दिखाया, अगर उस डाटा देखे तो मैच खेलने की जरूरत नहीं है। हाँ। मैं समझता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये क्रिकेट का खेल इतना गजब का खेल है, हर दिन आपको एक नई शुरुआत करनी पड़ती है। जरूर ये कहूंगा कि जो पलड़ा है वो भारी है, कॉन्फिडेंस जो है वो भारतीय टीम के पास ज़्यादा है, लेकिन जो गलतियां हुई है उसे आपको स्वीकार करके उसमें सुधार लाना, मैं बार बार कह चुका हूं और फिर से कह रहा हूं कि जो गलती हमसे हुई है, चाहे हमारी गेंदबाजी में हो या चाहे हमारे बल्लेबाज में हो, वो गलती सुधारना बहुत ही ज़रूरी है। जज्बात को बाजू में रख के, साइड में करके एक नई शुरुआत जोश के साथ होश का होना बहुत ज़रूरी है। किरण जी, हार्दिक पांड्या का हृदय जीत लेने वाला परफॉर्मेंस देखने के लिए हर कोई बेचैन था। उन्होंने एक लंबे वक्त बाद वापसी करी, एक वक्त ऐसा भी आया जब एक्सपर्ट्स कहने लगे कि कहीं उनका करियर खत्म तो नहीं हो गया। एक बेहतरीन कमबैक उन्होंने किया और बता दिया कि वही जगह, वही पवेलियन और वही टीम, मैं किस तरह से कमबैक कर सकता हूं। आपको लगता है आज भी निगाहें उन पर खास तौर से टिक जाती हैं? नहीं, देखो, आप टीम इंडिया के नंबर वन प्लेयर है और जब ऑलराउंडर होते हैं तो आप पे प्रेशर रहता है। एक ब्रिलियंट फील्डर है, बल्लेबाजी बहुत बेहतरीन करते हैं, जो कि आप उनका स्ट्राइक रेट देखो, 194 का स्ट्राइक रेट है। तो ऐसे बल्लेबाज होते हैं आपके टीम में, तो आप ये फिनिशर होते हैं और मैच जिता के लाते हैं, और आखिर के ओवर में उन्होंने बताया कि 20 रन भी होते हैं आखिर के ओवर में तो भी मैं रन बना सकता हूं। नसीम शाह की गेंदबाजी को लेकर बार बार कहा जा रहा था कि छोटे लोग हैं इसलिए नहीं बना। इसलिए मैं कहता हूं कि आगे के क्रम के जो बल्लेबाज है उनका स्ट्राइक रेट अच्छा होना जरूरी है। अभी 103 के स्ट्राइक रेट से खेलते हो आप, ये T20 में नहीं चलता है। आपको 140 150 के स्ट्राइक रेट से खेलना पड़ता ही है, आपने तो फिर पीछे वाले पे प्रेशर आ जाएगा। आप और मैच जीतोगे और हर मैच नहीं जीत सकते हो, इसके लिए आगे के क्रम के बल्लेबाज का स्ट्राइक रेट बढ़िया होना चाहिए। क्योंकि हार्दिक पांड्या का जिक्र चल रहा है, उन्होंने बहुत बेहतरीन बात यहाँ पर कही कि जब मैं बल्लेबाजी कर रहा होता हूँ तो बहुत शांत रहता हूँ, मेरे मन में बहुत ज़्यादा हलचल नहीं होती क्योंकि मुझे क्लियर रहना पड़ता है। उस दौरान दबाव मुझ पर नहीं होता, एक गेंदबाज के तौर पर गेंदबाज पर होता है, बल्लेबाज करने वाले पर उतना नहीं जितना गेंदबाज पर होता है विकेट लेने के लिए। आपको लगता है इसी सोच के साथ बाकी खिलाड़ी भी मैदान पर उतरते हुए नजर आएंगे? सर, उनको उतरना ही पड़ेगा क्योंकि ये गेम है कॉन्फिडेंस का, सभी को कॉन्फिडेंस लेके ही ग्राउंड पे आपको उतरना पड़ेगा और खेलना पड़ेगा। जिस तरह के लगातार सब खेलते आ रहे हैं, परफॉर्म करते आ रहे हैं, इतना एक्सपीरियंस है और इनके सामने वो खेल चुके हैं, विकेट भी उनको मालूम है कि किस तरह विकेट आपको बर्ताव करेगी, किस तरह बॉलिंग स्ट्रैटेजी रहेगी, क्या बॉलिंग से बॉल स्पीड से आएगा, वो सभी उनको, सभी गेंद बल्लेबाजों को मालूम है। तो उनको कॉन्फिडेंस लेके उतरना पड़ेगा, जिस तरह का हार्दिक पांड्या का कॉन्फिडेंस है, जिस तरह की आपने तारीफ की, जिस तरह सारे हम तारीफ करते आ रहे हैं, जिस तरह का कमबैक किया है इंजरी के बाद IPL में, वो किसी भी पोजिशन पर जाके उनका दिमाग इतना शांत हो चुका है कि वो कोई भी सिचुएशन को बहुत अच्छी तरह से हैंडल कर सकते हैं, और इसी कॉन्फिडेंस को सारी टीम को लेके उतरना पड़ेगा। सिर्फ एक प्लेयर से मैच जीती नहीं जाती, सभी को परफॉर्म करना पड़ेगा, सभी को कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, और जो सेट हो गया उसको, जैसे संदीप भाई ने कहा कि मैच खत्म करके आना पड़ेगा, लंबी इनिंग खेलनी पड़ेगी। तो इस गंभीर चर्चा के बाद अनुपमा की तरफ भी रुख कर लेते हैं क्योंकि उनके साथ एक दिलचस्प पैनल मौजूद है।
बिल्कुल सबीना, हमने टेक्निकलिटीज की बात कर ली, थोड़ी गंभीर बातों की भी बात कर ली, लेकिन कविताओं के जरिए भी मुझे लगता है पाकिस्तान पर अब ताबड़तोड़ वार होने चाहिए। और शुरुआत में सुधी बोला आप ही के साथ कर रही हूँ, क्या है आपके तर्कश में? तर्कश में तो मेरे पास आज ओपनिंग बैट्समैन है और तीसरा मैच है हमारे केएल राहुल जी का,